किसानी संघर्ष चल रहा था कुंडली बॉर्डर से जी स्टेज लगी हुई है उस स्टेज के उत्ते बड़े वड्डे वड्डे बुलारे बोल के जाते हैं चाहे किसान आगू हो चाहे वड्डे वड्डे मतलब इतने इस तरीके का प्रोटेस्ट हो चुका कि जन अंदोलन है। जन अंदोलन के हर कोई शमूलियत करता तो अपने अपने तरीके दे नाल लोगों जोड़न वास्ते जोश भरना से जिते किसान आगू कोशिश कर रहे हैं उत्थे एक जसपाल सिंह नाम का आदमी सानू इत्थे मिलिया जिहड़ा तुसीं देखिया भी होना सोशल मीडिया से काफ़ी ज़्यादा ये वायरल हुंदा बड़िया आवाज़ा कढ लैंदा बड़े कलाकार दी आवाज़ा कढ़दा तां सेवा भी इत्थे कर रहा तुसीं देखो ये वलंटियर बनया होया दुआबा किसान यूनियन दा जसपाल हंस दा नां है ते समराले जिले तो बिलोंग करदा पिछले 3 महीनों तो इत्थे धरने ते डटिया होया बहुत वधिया कलाकारी है इहदे विच स्टेज दे उत्ते परफॉर्म भी करदा है जोश भरदा हसांदा भी है लोगों नूं क्योंकि जिथे एजिटेशन है उत्थे एंटरटेनमेंट भी चाहिए ते जोश भी चाहिए। जसपाल ये दसो कदों तुसीं आए सी ते किवें थोड़े मन च विचार है कि आपां उत्थे जाके बैठना है की कहना है। सत श्री अकाल सारे स्रोतियां नूं वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मैं चैनल वालों सारयां दा धन्नवाद करदा ते साडे फर्स्ट वे चैनल सारयां दा मैं धन्नवाद करदा ते गल ये आ जी मेरे दिल दे विच जदों ये अंदोलन शुरू होया ते जदों ये गेट उधरले संभू बार्डर ते दी उदों मेरा दिल मेरा ये कीता भी मेरा और जीण दा कोई हक नहीं हैगा भी मैं तो इन्हां दे नाल हक दवा के लेके आने ने ते मैं तां करके हक्कां पिछे उरे तक आया ते मैं जद भी स्टेज ते कोई गलबात करदा जोश दी गल करदा भी इन्हां च जोश भरिया जावे। हुण स्टेज ते उपर भी कहिंदे भी शांति नाल रहो शांति नाल प्रजे के जितया जाना ये मेहनत लगता नहीं भाजी ये शांति वाला काम होगा यदा जिम्मे कहने उंगली टेढ़ी कर लो घी निकल जूगा हूँ तो उंगली च घी फसदा नहीं है तो थले डब्बे घी चलिया गया हूँ तो यह ढक्कने पट्टना पैना जी ये जो मंत्री ने जोड़ा मोदी उन्होंने ढक्कन लाया ये सानू पट्टना पैना। बड़िया तुम अभी देख रहे स्टेज पर बड़ी आवाज़ा भी कढ़ लेंगे हो अपने अंदाज के भी जो दर्शक है साढ़े उन्होंने थोड़ा जहा मैं वक् वक् आवाज़ा कढ़दा 90 आवाज़ा कढ़दा मैंने अवार्ड मिले होया तो मेरा उस्ताद गुरदेव ढिल्लों भजनावली लंबे जटपुरे का लंबिया का मैं आवाज़ कढ़दा जिमें उस्ताद भजनावली भी मरजने भी मरजने भी भजने भी मरजने की रौला पाई बैठा मैं कहना सांतिए तू किथे आ आ देख ला आ किसान अंदोलन चल पिया सांतिए मैनू दिल्ली जाना पैना साइकिल झंडिया ला के आ मैं कहना सांतिए सारे देख ला ज मजदूर जाते ने किसान जाते ने मैं उन्हों करके सांतिए मेरा जी करता भी मैं भी जाके कुछ बोला मैं भी जाके बोला कुछ आ गल सुन ला शांति मैनू कल कुल्ले शाह भी मिल गया वह भी पतंदर था उत्थे मेरे कमाल की गल भजना तू भी आ गया मैं भी आ गया कमाल की गल हूँ आप कल हक लैके जावे किसानों इदा मैं आवाजा कटदा जी मोदी ने भी आवाज सुनाई है फिर अपनी कट के इतने मोदी ने वक् वक् आवाजा सुना मैं लानत पाँना मेरिया लानत वो तक पहुँच जाए तो वधिया गल आ ये साढ़े पंजाबियों नूं सताउंदा पंजाबियों की रोटी खा के अन्न दाणा खा के तो उन्होंने ये सता रहा भी ये सता रहा साढ़े ही नमक खा के सानू हराम करना जिम्मे गब्बर ने नहीं क्या कहना कितने आदमी थी हुण मोदी कहना मैंने जहाज घुमा के देखा एक धरने से कई कई बंदे रहे तो हुण फिर वो कहना तेरा क्या होगा अडवाणी जडवाणी कहते ने मोदी नू मोदी बनाया हुआ हूँ कालिया वो की कहना तेरा क्या होगा और कहता जी मैं गल चली नहीं तुक्का लाया तो है जी जमीना जमीना वाला हाले मैं जोड़े बिल पास करते हूँ किसान रद्द कराने फिरते ने करने पैने ने हूँ इस करके हूँ जोड़े मोदी ने वो बिल पास किए ने हूँ उही गल बिलों लिए गगू गल कहे धरमिंदर बन गया की कहूगा ओए हाथ मैनू दे दे ओए बेकारा हूँ मोदी कहूगा मैं तेन हाथ नहीं दूंगा ओए तू काते नहीं हाथ देगा जिन्हां नाल साडे बिल पास किए ने असी अपना हक लेके मुड़ना ओए नू रद्द कर दे वो कहना मैं नहीं करूँगा ए हाथ मुझे दे दे इदां दी गल हो जांदी है जी। जदों स्टेज ते तुसीं बोलदे हो बड़े उत्थे
ठठाके लगते हैं, बड़े लोग हंसते हैं, कितनी खुशी होंदी है क्योंकि तुसी हसा रहे हो, पर असी उस तरीके की खुशी नहीं हैगी है क्योंकि किसान बड़े परेशान हो रहे हैं, बड़िया शहीदियां हो रही हैं। पर थोड़ा लगता सरकार को थोड़ी बहुत अकल आनी चाहिए हूँ? अकल जी, सिरे की अकल आनी चाहिए है, सिरे की अकल आनी चाहिए है जी। मैं तो यह कहना भी जो मोदी के कन्ना च दवाई दवाई नहीं पाई होनी, जो कन्ना च लोगड़ लोगड़ फस गई होनी है, साढ़े जिन्हें शहीदियां पा गए। तो मैं एक गल करता भी अपने वालों भी मैं ठीक हाँ, मैं ये जिमीदारा खुश करना आया तो इन्होंने हक दवा आया। मैनू कई बार लोग कमेंट करके भेजते हैं भी उधर शहीद होंगे, तू उ जोगराज बनता, तू गग्गू गल बनता, तू भजनावली बनता, हूँ मैं भी की करा, मैं हक दवा तो आया, हक असी खुशी खुशी लैके जावे, तो मैं दिल भी खुश करना आया। हूँ सारी दिहाड़ी एक चीज़ खाई चले, एक एक चीज़ खाई चले, शूगर होनी है बंदे, इस करके मैं हसाउन आया भी बिच मिर्च मसाला भी चाहिए। हाँ जी हाँ जी, वध तो वध मिर्च मसाला चाहिए, जिमें हल्दी, लून, नमक, कालिया मिर्चा ते हरिया मिर्चा, एदा मसाला पैदा रहे। मैं मोदी नूं इह कहना भी जे तां तू समझ जा, समझ जा, जे नहीं समझिया, ओह साडे सियाणे कहिंदे आ जिहड़े पुराने बजुर्ग कहिंदे जे घिओ कढ़ना होवे बिंगी उंगली करनी पैंदी, हुण तां घिओ कढ़न दी लोड़ ही नहीं हैगी, ढक्कणे चक लो, जे नहीं खुलदा तां साले ते इट मारो, आप ही ढक्कन पट्टिया जाता। मोदी दे मंत्री जड़े कह रहे कि भीड़ घट गई है, जोश घट गया, जोश तो तुम बहुत भर रहे हो इतने। हाँ हाँ हाँ, करोना जोड़ा शहीद कोई होंगे उन्होंने करोने च लिखते ने। मैं पूछना चाहना कैप्टन स्पीचा दिता करोना जी इन्ने बंदे करो, वह असी अपना हक लैन वास्ते खड़े हाँ, हक लैन आए हैं, असी कोई मेला नहीं रखे और असी अपनी जमीन बचाने आए हैं। उन्होंने बयान करने चाहिए ने भी जिन्हें बंद ने पंजाब के ट्रैलियां भर के जाओ, वो कहना 100 बंदा जा सकता। उन्होंने पूछे जेडे बीजेपी के बंदे ने, वह पूछते ने भी कट कट हो दसो साढ़े उन्होंने कड़ा खाना होना, असी हक लैन गए हैं, हक लैके मुड़ांगे। आ डांग देख लो, कल मैं बादल भी लैके आया थी, अज ये लैके आया, मतलब असी जे सरकार प्यार नाल नहीं मनूगी तो ये नाल भी मना आता सुना। एक चीज़ होर इस तों अलावा कि आवाज़ कर लो तुसी? होर भी मैं होर भी आवाज़ा कट लैंदा तो वधिया वधिया कट लैंदा। राजकुमार रमेशपुरी जी कि कहणगे, रमेशपुरी रमेशपुरी जी की कहणगे, अरे मैं कहीं बो, अरे मैं कहीं बो खुश हुआ, अरे खुश क्या होना, मोदी साहब जो हरकत आपने की कमी नहीं, हरकत ये अच्छी नहीं, क्यों किसानों का खून चूसन लगे काली जोक बन के, किसानों का हक दे दे, अपने घर जाएं, अपनी फसल काटें, अरे भाई मान जाओ। और राजकुमार जी, राजकुमार की कहना, हम जानते हैं मोदी तुमने अच्छा काम नहीं किया, किसानों का जो धन है उसकी ते उसका सब दो तुम, मान जाओ, सारे चाहते हैं मोदी साहब हम तुम्हें पकारते हैं, किसानों का हक दे दे, नहीं तो हम हाथ पा के हक ले लेते हैं। ते गल करिए जी, मेरा वीर है तो बंगाली है, चाहे धर्माली है, चाहे बिहार का, चाहे यूपी का, है तो मेरा भरा वह मिठन चक्रवर्ती, मैं उन्होंने सजदा करता, सलाम करता, वो अदा कला सलाम करता भी साढ़े पंजाबियों के हक च बोलिया। वो पिता की कहना मोदी ने, अरे मोदी साहब आपका नाम का कुत्ता पालू, तू कहता भौके किसान भौकल गए, अरे अच्छी बात नहीं है, मान जा मोदी, नहीं तो हम तुम्हारे से मुजरा कराएंगे, मुजरा। अरे मेरा नाम मिठन चक्रवर्ती है, अरे मिठन बिगड़ जाए मिठा तो आप ही खराब हो जाता, बाकी दारू पै जाती उहदी। होर कुछ होर साढ़े जोगराज साहब, जोगराज तो मैं कहना क्या आवाज है, नाना पटकल, नाना पटकल की कहना, जानता है गरीबों का खून चूसने से क्या मिलता है,
अच्छा हुआ किसान समझ गए, अरे इसने इन को गुरुद्वारे में लेके बड़े अरे पता ले लो ए हा आपके साथ ये होना थी। मोदी समझाओ अच्छे आदमी बने ते ये हो गया जी। जोगराज साडा गवांडी है जी, जोगराज पिंड कनेज दराहे दे कोल पिंड पैंदा कनेज। मैं सत श्री अकाल करदा मेरे बड़े भरा नूं जोगराज नूं भी कदे उन्हें मैनूं माड़ा चंगा नहीं बोलिया। तो मेरा उस्ताद भी भजनावली ने उन्हां नाल काम किया फिल्मों के योगराज ने, तो नाल योगराज नूं मैं वेलकम करदा उन्हां दा उन्हों दलेरी दी उहदी वेलकम करदा। बाबा दीप सिंह दे उह लाडले पुत्र ने बाबा दीप सिंह ने जिन्हें खंडे की धार चुकी तो शीस चुकया की तली दे उहदे पुत्र ने, और वाकई पुत्र ने राणा साहब वाली सरकारां दे पुत्र ने, वह बेटे ने। उन्होंने मैनू जोश जदों जोगराज ने जोश नाल बोलिया मेरा उदने मेरा पेशाब निकल गया सी, मैनू आना पै गया। मैं क्या भी आपां तां जाणा पैणा हुण। जोगराज ने यह गल करता दित्ती भी पंजाबी आ जाओ हुण। जोगराज की कहना ओए केड़ा साडी जमीन च पैर पाऊगा अडवाणी, ओए तैनू अपनी नस्लां नहीं दी दिया, ओए मोदिया साडे पंजाब दा सौदा करना आ, ओए आ चक्को डांग पंजाब वालियो जिस तने मोदी दे अडवाणी इस जमीन दा सौदा कराए ओए उन्नू ओदी नसला ए गल है जी। बचपन तो ही थानू आवाजा कढ़न दा शौक है दा बचपन दा जी। ये मैनू बीमारी लगी हुई आ जिवें लोकां नू टीवी दी बीमारी लग जां कैंसर दी बीमारी है, ये मैनू कैंसर दी बीमारी आ। मैं उस्ताद तो सिखिया तो बाद चा पहला उस्ताद की नकल लाने सीखा भजनियावली की, उस तो बाद मैं कामयाब होया। उस्ताद की नकल भी मेरे उस्ताद जी तो बहुत आकड़ वाले बंदे ने जी, रहिंदे जेंटलमैन बन के ने अंग्रेजा वांगण रहिंदे बढ़िया सेंटर वेंटर वेंटर बन के रहिंदे ने, पर मैं तो लिबड़े तिबड़े उहदा चीलना जी। तो मतलब उस्ताद की रोटी पाया होया मैं इत्थे तक आ गया। मैं उस्ताद नूं भी बेनती करदा भी तुसीं भी कदम पा लो, जा ढिले जे रहिंदे नहीं पता की गल आउंदेगा तो नहीं हैगे, पर वह डबल किसान ने घट्टो घट्टो उन्हां कोलों प्रॉपर्टी बहुत आ ते उन्हां कोलों जमीन बहुत आ, पर आना चाहिए जी वह भी किसान ने। मैं मजदूर होके भी आ गया, मैं एक मजदूर का पुत होके आ गया, मैनू सौ लगे मेरे घर के भी भुल गए होने ने भी साडा मुंडा कौन आ। तीन दिन हो गए हुण जे मोदी ने ना मनिया मैं तो मोदी ने जाके घरे बह जाना। तीन महीने हो गए लोग तो मोदी जेल च बंद करता, मैं उदी कोठी से टैंकी बन के बह जाना भी मैं तो उरी बैठा रहना। बिल्कुल जसपाल है एक बार आखिर दे विच मोदी नूं सुनेहा अपनी आवाज दे विच। मैं तो मोदी साहब ने यह कहना चाहना मोदी साहब मान जो क्यों साडे पंजाबियों दे जानां नूं तलियां ते रखिया, तेनू असी तेरे सरोपे पाने, तेनू असी गुरुद्वारों च समानत करते, वह तो इज्जत रख ला गुरुद्वारों की, रख ला उत्थे आया दी अंबरसर आया दी उन्हां दी इज्जत रख ला, साडे हरिमंदर साहब की वह साढ़े हक मोड़ दे। ओए किसी ने धी ब्याहनी, किसी ने पुत ब्याहना, किसी ने करजा देना नहीं, सिफारस दियां गोलियां कहदियां गोलियां होंदियां सिफारस दियां, वह तो पईआं ही ने कंस दे थले कणक वालियां गोलियां पईआं ही नहीं लगदा है कि फिर मैं मर जाना। मरना नहीं आप जित के जावे क्योंकि ये जंग जी जारी हैगी, बड़े थोड़े वर्गे बहुत लोग इतने जो डटे हुए हैं। किसी भी कलाकार की आवाज़ के अखीर दे साडे दर्शकों नूं की कहना चाहूँगा? मैं मेन मित्र की आवाज़ कहना चाहूँ, ओए होए ओ मैं क्या मन जा मोदी आ जा जे सानू साडे हक देते दे साग की मक्की की रोटी के दही पा के देवे नाले नाले तेन मखनी खिलावे नाले दुध बुरी मझ का बुलावे मन जा ओ मन जा मेरा बड़ा भरा बन की बन जा। बिल्कुल ये जसपाल हंस जरा समराले का रहने वाला मुंडा नौजवान हैगा तो इतने तीन महीने तो डटे हुए है, मजदूरी करता मजदूर का पुत है, पर इन्हें कहा कि अपनी आवाज़ा के नाल लोगों के जोश भर रहा है क्योंकि सरकार हजे भी जो फैसला वह नहीं किसानों के हक च कर रही, तो इस तरीके के कलाकार भी इतने पहुँच रहे हैं अपने अपने तरीके ने सरकार को लांता पा रहे, इस करके सरकार को चाहिए किसानों की मंगा जल्दी पूरी करे। कैमरामैन शपिंदर के नाल अमित शर्मा डेली पोस्ट पंजाबी कुंडली बॉर्डर दिल्ली।